हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल नॉलेज नेस्ट। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल नॉलेज नेस्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, जो कि है L&T से और गोल्डमैन की तरफ से। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सारे जॉब अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो की तरफ। तो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी है L&T की तरफ से। L&T यहाँ पे हायर कर रही है ग्रेजुएट इंजीनियर्स 2022 के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट है यू शुड बी एन इंडियन नेशनल बॉर्न ऑन और आफ्टर 01/07/1998। सेकेंड है 4 years 8 semester डिग्री फुल टाइम कोर्सेस आफ्टर 10+2, 10+ डिप्लोमा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ग्रेजुएटेड इन 2022 और एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट बाय अगस्त 2022। एग्रीगेट फॉर बीई बीटेक शुड बी मोर देन और इक्वल टू 65%। नो बैकलॉग्स पास्ट और लाइव ड्यूरिंग बीई बीटेक कोर्सेज। ऑल सब्जेक्ट शुड हैव बीन क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। एनी सब्जेक्ट पेपर नॉट क्लियर ड्यूरिंग द यूजुअल अटेम्प्ट एंड री अटेम्प्टेड for whatsoever reason will be considered as a second attempt. Aggregate for 10th and HSC 12th diploma in any engineering stream should be more than or equal to 70% each. You should have completed your 12th within 2 years from completing 10th or diploma within 3 years from completing 10th. अब यहाँ पे basic details आपको fill करनी है, जो कि है name। यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको आपका नेम फिलअप करना है, फिर ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फिर जेंडर। फिर एजुकेशनल डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके 10th के मार्क्स फिलअप करने हैं, 12th के मार्क्स फिलअप करने हैं, फिर आपको आपके कॉलेज का नाम डालना है, क्वालिफिकेशन कि आपने बीई बीटेक जो भी किया हो वो आपको डालना है, फिर डिसिप्लिन आप कौन सी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है या जो भी हो। ईयर ऑफ पासिंग में आपका 2022 आ जाएगा। इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन मार्क्स आपको आपके डालने हैं। फिर यहाँ पे आपको रेज्यूमे अपलोड करना है, जो कि PDF फॉर्म में होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको इन दोनों पे टिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। ये बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है L&T की तरफ से। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो कि है गोल्डमैन की तरफ से। तो व्यू वैकेंसी समर एनालिस्ट एंड समर एसोसिएट इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो समर एनालिस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें ये बताया गया है, द समर एनालिस्ट इंटर्नशिप इज फॉर कैंडिडेट करेंटली पर्सुइंग अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्री एंड इज यूजुअली अंडरटेकन ड्यूरिंग द सेकेंड और पेन्यूलेट ईयर ऑफ स्टडी। डिपेंडिंग ऑन रीजन प्रोग्राम लास्ट बिटवीन 8 and 11 weeks and are designed to fully immerse you in the day-to-day activities of one or our divisions. The summer associate internship ki taraf badhte hain. The summer associate internship is for candidate currently working towards an advanced degree such as an MBA, JD, MD or LLM and is usually undertaken during the second or penultimate year of study. This is a 10-week program with real responsibilities to give you a sense of what you would be doing day to day as a full-time Goldman Sachs employee. फिर यहाँ पे आप apply now की button पे click करके आप इस job opportunity के लिए internship के लिए apply कर सकते हैं। फिर जब आप apply now के button पे click करते हैं तो आपको ऐसा ये आपके सामने open हो जाएगा, जिसमें आपको आपका first name डालना है, last name डालना है, email डालना है, confirm email, फिर उसके बाद में आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है, फिर कंफर्म करना है आपका पासवर्ड, फिर यहाँ पे क्लिक करके सबमिट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन इस इंटर्नशिप के लिए हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी और इंटर्नशिप हम लेकर आए थे आपके लिए इस वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही और जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इंटर्नशिप आपको चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द अपनी जॉब अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको दे सके। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और दोनों ही इंटर्नशिप और जॉब के लिए हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप उसको अप्लाई कर सके। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।